गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गीतिका। आज बेटा मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का, जो हमने चैप्टर में 4 नाउन्स शुरू किया था, उसके नेक्स्ट काइंड्स बताने जा रही हूँ, काउंट एंड अनकाउंटेबल। बेटा, काउंटेबल वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। ये रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अंकुर एंड हिज मदर, ये आपने खुद रीड करनी है बेटा। अब मैं आपको इसकी बताने जा रही हूँ कि काउंटेबल कौन से होते हैं। काउंट एप्पल्स, बनानास, पोटैटोस, ऑरेंजेस एंड टोमेटोस कैन बी काउंटेड। ऑन द अदर हैंड, ब्रेड, शुगर, सॉल्ट, पेस्ट, राइस फ्लोर, चीज एंड सैरल कैन नॉट बी काउंटेड। अब बेटा, जैसे सेब हैं, केले, आलू, ये हम क्या कर सकते हैं, इनको हम गिन सकते हैं। बट जो ब्रेड है, शुगर है, साल्ट, पेस्ट, इनको हम नहीं गिन सकते। चीनी है, शुगर है, चीनी, अब चीनी के दाने हम गिन सकते हैं? नो। तो ये क्या होंगे, कैन नॉट बी काउंटेड। देयर फॉर द थिंग्स डेट हु कैन डेट कैन बी काउंटेड आर काउंटेबल, जो हम काउंट कर सकते हैं, जिसको उसको हम कौन से कहते हैं, काउंटेबल थिंग्स के नाउन्स कहते हैं। और जिसको डेट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम नहीं काउंट कर सकते, उनको अनकाउंटेड नाउन्स कहते हैं। ये बेटा नीचे उनकी एग्जाम्पल्स दी है, जैसे पेंसिल, बुक्स, बॉटल्स, हम इनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। आर केप्ट ऑन दी स्टडी टेबल, कि ये कहाँ पे हमें मिलेंगी, स्टडी टेबल पे ये आपको नजर आ रही है। वी कैन काउंट पेंसिल, वी कैन ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ बुक्स, इन द सेम वे वी कैन काउंट बॉटल्स एंड टेबल्स एज वेल। सच थिंग डैट कैन बी काउंटेड आर काउंटेबल थिंग्स, जो ये क्या है, काउंटेबल थिंग्स है। काउंटेबल नाउन आर सिंगुलर और प्लूरल, की सिंगुलर में भी हो सकते हैं, वो प्लूरल में भी होते हैं। देन ये एग्जाम्पल्स है बेटा। उसके बाद आता है अनकाउंटेबल, जिसको हम नहीं गिन सकते। द ब्रेड वर डिलीशियस बट द चीज वर नॉट फ्रेश एट ऑल। यू कैन सी थ्रू द ग्लास, डू यू हैव एनी न्यूज ऑफ मोना। सनलाइट एंड वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट टू ग्रो। अब सनलाइट, जो क्या नाम है, धूप की रोशनी है, हमें क्या पता उसको कितनी क्वांटिटी मिल रही है उसमें। और वाटर है, वाटर हमने क्या पता हमने कितने ml डाला उसमें। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल, मतलब कि ब्रेड, चीज, ग्लास, न्यूज, सनलाइट एंड वाटर आर अब्स्ट्रैक्टेड आइडियाज थिंग्स, दीज कैन नॉट बी काउंटेड एंड आर एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अब ये जो एग्जाम्पल थी, ये किसकी है, अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जाम्पल्स हैं। देन उसके बाद बेटा हमें मिलता है अब्स्ट्रैक्टेड, कॉन्क्रेट एंड मटीरियल। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं बेटा, जिसको हम थिंग्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स वी कैन नॉट सी और टच, कि जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसको हम क्या कर सकते हैं, बट वी कैन फील, हेयर एंड थिंग, उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसकी उस भावना को हम सुन सकते हैं, उसको सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी है म्यूजिक, लव, ट्रूथ। अब म्यूजिक है, म्यूजिक को हम टच कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, नहीं उसको, बट हम उसके लिरिक्स को, उसको हम सुन सकते हैं कि म्यूजिक बहुत सुंदर है। देन बेटा, दे आर नॉट मेड फॉर ऑफ एनी सब्सटेंस और मटेरियल्स, दे कैन नॉट बी सीन, स्मेल, टेस्टेड। दीज नाउन्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव नाउन्स और वर्ब। क्वालिटीज लाइक काइंडनेस, लॉयल्टी, होनेस्टी आर ऑल्सो अब्स्ट्रैक्टेड नाउन। अब बेटा, किसी की ईमानदारी को हम देख सकते हैं, नहीं, बट महसूस कर सकते हैं कि ये बच्चा ईमानदार है, ये बंदा ईमानदार है, ये अपनी बात बिल्कुल सच्चाई से बता रहा है। देन उसके बाद कंक्रीट नाउन्स आते हैं। इसमें क्या है बेटा, कंक्रीट नाउन्स आर नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन सी एंड टच, कि हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं। एग्जाम्पल्स में बुक, अब ये मेरे पास बुक है, हम मैं बुक को देख भी सकती हूँ और इसको मैं टच भी कर सकती हूँ। मदर, आपके मदर हैं, आप मदर को देख भी सकते हो और उनको सुन भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। देन उसके बाद ये बेटा एग्जांपल्स हैं। देन उसके बाद आता है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स आर वर्ड्स ऑफ मटेरियल और इंग्रेडिएंट डेट अदर थिंग्स आर कॉल्ड मेड फ्रॉम एग्जांपल वुड, रबर, ग्लास एक्सेट्रा। अब ये पेंसिल है, ये किसके साथ बनी हुई, लकड़ी की पेंसिल है। और ये पीछे रबड़ है, ये किसके, रबड़ का। और ग्लास, जैसे हम कांच का ग्लास लेते हैं, वो ग्लासेस के, तो उसको हम कौन से नाउन्स कहते हैं, मटेरियल्स नाउन्स। देन बेटा उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स टेकन आज वन यूनिट। अब कलेक्टिव नाउन्स बेटा वो होते हैं जो ग्रुप होता है, जैसे ग्रुप होते हैं, जैसे पीपल्स का ग्रुप होता है, एनिमल्स, थिंग, उसको हम कौन सा नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। सुजल बॉट अ बंच ऑफ बनाना। सुजल ने क्या लिया है, कि केलों का गुच्छा लिया। शी हैज अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स। उसके पास क्या है,
क्या नाम है, फूलों का गुलदस्ता है। तो इसको हम कौन से नाउन कहते हैं जो ग्रुप में होते हैं, ग्रुपिज्म में काम करते हैं, उसको हम कौन से नाउन्स कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। तो बेटा ये आपका चैप्टर था पूरा, एक बार आप खुद रीड करो और समझो कि कौन से नाउन किस पे सुटेबल है। और ये आपने खुद बेटा रीड करनी है, इसको क्या करना है, रीड करना है, रीड इट, इसको आज आपने एक बारी रीड करना है और समझना है इसमें क्या किया हुआ है।